आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। सनातन धर्म में कार्तिक मास का महत्व है बहुत ज्यादा। जानिए कार्तिक मास की एक कथा। भगवान विष्णु और भगवान श्री कृष्ण की आराधना का महीना माना जाता है कार्तिक मास को। आप देख सुन और पढ़ रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज के धर्म प्रभाग में विभिन्न जानकारियों के संबंध में। सनातन धर्म में कार्तिक महीने को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है। इसे पीछे जो वजह बताई जाती है उसके अनुसार चार माह के लंबे विश्राम के उपरांत भगवान विष्णु जागते हैं। यही कारण है कि कार्तिक माह को धार्मिक दृष्टि से बहुत अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। इस तरह की मान्यता भी है कि कार्तिक महीने में भगवान विष्णु जी और भगवान श्री कृष्ण की उपासना करने से न केवल जीवन में चल रही परेशानियां कष्ट आदि से मुक्ति मिलती है वरन सुख समृद्धि ऐश्वर्य आदि की प्राप्ति होती है। वैसे तो कार्तिक मास की अनेक कथाएं हैं। आइए हम आज आपको कार्तिक मास की अनेक कथाओं में से एक कथा के बारे में बताते हैं। अगर आप भगवान विष्णु जी की आराधना करते हैं और अगर आप विष्णु जी के भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय विष्णु देवा अथवा हरिओम तत्सत लिखना न भूली। कथा के अनुसार एक नगर में एक ब्राह्मण दंपत्ति रहते थे। वे दोनों प्रतिदिन 7 कोस दूर गंगा और यमुना नदी में स्नान करने जाते थे। इतनी दूर आने जाने से ब्राह्मण की पत्नी थक जाती थी। एक दिन उसने अपने पति से कहा कि हमारा एक पुत्र होता तो कितना अच्छा रहता। पुत्र के बहू आती तो हमें घर वापस जाने पर खाना बना हुआ मिलता और बहू घर का काम भी कर देती। अपनी पत्नी की बात सुनकर ब्राह्मण ने पत्नी से कहा कि उसने बात तो सही कही है, चल मैं तेरे लिए बहू ला ही देता हूँ। ब्राह्मण ने कहा कि एक पोटली में आटा डालकर कुछ मोहरे रख दे। ब्राह्मण के कहे अनुसार उसने पोटली बांध कर दे दी। पोटली लेकर ब्राह्मण चला गए। ब्राह्मण सफर के दौरान यमुना के किनारे बहुत ही सुंदर युवतियां दिखाई दी। वे रेत में घर बनाकर खेल रही थी। उनमें से एक युवती ने कहा कि अपना घर नहीं बिगाड़ूंगी, मुझे तो रहने के लिए ये घर चाहिए। युवती की बात सुनकर ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा कि बहू बनाने के लिए यही युवती उचित है। जब वह युवती जाने लगी तो ब्राह्मण भी उसके पीछे पीछे उसके घर तक चला गए। वहां जाकर ब्राह्मण ने उस युवती से कहा, बेटी कार्तिक मास चल रहा है इसलिए मैं किसी के घर खाना नहीं खाता, मैं अपने साथ आटा लेकर आया हूँ। तुम अपनी माता से पूछो कि क्या वह मेरे लिए आटा छानकर 4 रोटी बना देगी। यदि वह मेरा आटा छानकर रोटी बनाएगी तो ही मैं रोटी खा लूंगा। युवती ने जाकर अपनी माँ को ये सारी बात बता। माँ को यह उचित लगा, उसने कहा, उचित है, जाकर ब्राह्मण देव से कह दो कि वह अपना आटा दे देल, मैं रोटी बना दूंगी। जब वह आटा छानने लगी तो आटे में से मोहरे निकली। वह सोचने लगी कि जिसके आटे में इतनी मोहरे है उसके घर में कितनी मोहरे होंगी। जब ब्राह्मण खाना खाने बैठा तो युवती की माँ ने उस ब्राह्मण से पूछा, क्या आपका कोई लड़का है और क्या आप उस युवक की सगाई करने जा रहे हो। यह सुनकर ब्राह्मण ने कहा कि मेरा लड़का तो काशी में पढ़ने गया हुआ है, लेकिन यदि तुम कहो तो खान कटोरे से विवाह करके तेरी बेटी को अपने साथ ले जाऊं। युवती की माँ ने कहा, ठीक है ब्राह्मण दे। इस पर युवती की माँ ने युवती की खान कटोरे से शादी करके ब्राह्मण के साथ भेज दिया। ब्राह्मण ने घर आकर कहा, रामू की माँ दरवाजा खोलकर देख, मैं तेरे लिए बहू लेकर आया हूँ। ब्राह्मण की पत्नी भीतर से ही बोली, हमारे तो कोई बेटा बेटी नहीं है तो बहू कहाँ से आ, दुनिया ताने मारती थी अब आप भी मारने लगे। ब्राह्मण ने कहा, तू दरवाजा खोल कर तो दे। जब ब्राह्मण की पत्नी ने दरवाजा खोला तो सामने बहू को खड़ी देखा। उसने बहू का स्वागत किया और आदर सत्कार से अंदर ले गया। अब जब ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ नदी स्नान करने जाता तो पीछे से बहू घर का सारा काम करके और खाना बनाकर रखती थी। वह उनके कपड़े धोती और रात को हाथ पैर भी दबाती थी। इस तरह बहुत दिन बीत गए। ब्राह्मण की पत्नी ने अपनी बहू से कहा कि बहू कभी भी चूल्हे की आग मत बुझने देना और मटके का पानी खत्म मत होने देना। परंतु एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई। यह देखकर बहू घबरा गई और भागी भागी अपनी पड़ोसन के पास गई और कहा कि मेरे चूल्हे की आग बुझ गई है, मुझे थोड़ी आग चाहिए।
मेरे सास ससुर सुबह 5 बजे से गए हुए हैं। वह थके हुए घर आएंगे, इसलिए मुझे उनके लिए खाना बनाना है। यह सुनकर पड़ोसन ने कहा कि तू तो बावली है, तुझे यह दोनों मिलकर पागल बना रहे हैं। इनके कोई पुत्र नहीं है, ये निः संतान है। बहू ने कहा, नहीं ऐसा मत बोलो, इनका बेटा तो बनारस काशी में पढ़ने गया हुआ है। इस पर पड़ोसन ने कहा कि यह तुझे झूठ बोल कर लाए है, मेरी बात सच मान, इनके कोई बेटा नहीं है। अब बहू पड़ोसन की बातों में आ गई और कहने लगी कि अब आप ही बताओ मैं क्या करूं। पड़ोसन ने कहा कि करना क्या है, जब तुम्हारे सास ससुर आए तो जली हुई रोटियां बनाकर देना और बिना नमक की दाल बनाकर देना, खीर की करछी दाल में और दाल की करछी खीर में डाल देना। पड़ोसन ने उसे अच्छे से सिखा पढ़ा दिया। फिर जब उसके साथ सास ससुर घर आए तो उसने न तो उनका आदर सत्कार किया, ना ही उनके कपड़े धो। जब उसने सास ससुर को खाना दिया तो सास बोली, बहू आज यह रोटियां जली हुई क्यों है और दाल भी अलूनी है। तब बहू ने पलटकर कहा कि एक दिन ऐसा खाना खा लोगे तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा तुम्हारा। सास ससुर को खरी खोटी सुनाकर वह फिर से पड़ोसन के पास गई और बोला कि अब आगे क्या करना है। पड़ोसन ने कहा कि अब तुम सातों कोठों की चाबी मांग लेना। अगले दिन जब भी स्नान करने के लिए जाने लगे तो बहू अड़ गई कि मुझे तो सातों कोठों की चाबी चाहिए। तब ससुर ने कहा कि इसे चाबी दे दो। तब सास ने बहू को चाबी दे दी। सास ससुर के जाने के बाद जब बहू ने दरवाजे खोले तो देखा कि किसी में अन्न भरा है, किसी में धन भरा है और किसी कोठे में बर्तन पड़े हैं। जब उसने सबसे ऊपर का सातवां कोठा खोला तो देखा कि शिवजी, पार्वती माता, गणेश जी, लक्ष्मी माता जी, पीपल पथवारी, कार्तिक के ठाकुर, राय दामोदर, तुलसी जी का बिड़वा, गंगा यमुना और 33 कोटि देवी देवता विराजमान है। वहीं पर एक लड़का चंदन की चौकी पर बैठा माला जप रहा है। यह सब देखकर उसने युवक से पूछा कि तुम कौन हो। तब लड़का बोला कि मैं तेरा पति हूँ, अभी दरवाजा बंद कर दे, जब मेरे माता पिता आएंगे तब दरवाजा खोलना। यह सब देखकर बहू बहुत खुश हुई और सोल श्रृंगार कर सुंदर वस्त्र पहनकर अपने सास ससुर का इंतजार करने लगे। उसने अपने सास ससुर के लिए अच्छे अच्छे पकवान बना। जब उसके सास ससुर घर पर आए तो उसने उनका आदर सत्कार किया और प्रेम पूर्वक खाना खिलाया और हाथ पैर दबाने लगी। पैर दबाते दबाते बहू ने कहा कि माँ, आप इतनी दूर गंगा यमुना स्नान करने के लिए जाती हो तो आप थक जाती हो, इसलिए आप घर पर ही स्नान क्यों नहीं करती। यह सुनकर सास कहने लगी कि बेटी, गंगा यमुना घर पर तो नहीं बहती है। तब उसने कहा, हाँ माँ जी बहती है, चलो मैं आपको दिखाती हूँ। जब बहू ने सातवां कोठा खोलकर दिखाया तो उसमें शिव जी, पार्वती जी, गणेश जी, लक्ष्मी जी, पीपल पथवारी, कार्तिक के ठाकुर, राय दामोदर, तुलसी जी का बिड़वा, गंगा यमुना बह रही है और 33 कोटि देवी देवता विराजमान है। वही चौकी पर बैठा एक लड़का माला जप रहा है। माँ ने उसे देखकर कहा कि बेटा तू कौन है। लड़का बोला, माँ मैं तेरा बेटा हूँ। तब ब्राह्मण की पत्नी ने पूछा कि तू कहाँ से आया है। युवक ने जवाब दिया कि मुझे कार्तिक ने भेजा है। माँ ने कहा, बेटा यह संसार कैसे मानेगा कि तू मेरा बेटा है। माँ ने कुछ विद्वान पंडितों से मदद मांगी। पंडितों ने कहा, इस पार बहू बेटा खड़े हो जाए और उस पार माँ खड़ी हो जा। माँ ने चमड़े की अंगिया पहनी हो और छाती में से दूध की धार निकलकर बेटे की दाढ़ी मूछ भीगे और पवन पानी से गच्चोड़ा बंधे, तब मानेंगे कि यह इस माँ का ही बेटा है। उसने ऐसा ही किया, चमड़े की अंगिया फट गई और छाती में से दूध की धार निकलकर बेटे की दाढ़ी मूछ भीग गई, पवन पानी से बहू बेटे का गठजोड़ बंध गए। यह सब देखकर ब्राह्मण और उसकी पत्नी की खुशी का ठिकाना ना रहा। तो यह थी कार्तिक मास की कथा। हे कार्तिक के ठाकुर, जैसे ब्राह्मण और ब्राह्मण की पत्नी को बहू बेटा दिया, वैसे सबको देना। कार्तिक मास की कथा कहने, सुनने और हुंकारा भरने वाले सब पर कृपा करना। हरि ओम। अगर आप भगवान विष्णु जी की आराधना करते हैं और अगर आप विष्णु जी के भक्त हैं, तो कमेंट बॉक्स में जय विष्णु देवा अथवा हरिओम तत्सत लिखना न भूली। यहाँ बताए गए उपाय
लाभ, सलाह और कथन आदि सिर्फ मान्यता और जानकारियों पर आधारित है। यहाँ यह बताना जरूरी है कि किसी भी मान्यता या जानकारी की समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा पुष्टि नहीं की जाती है। यहाँ दी गई जानकारी में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों, ज्योतिषियों, पंचांग, प्रवचनों, मान्यताओं, धर्म ग्रंथों, दंतकथाओं, किंवदंतियों आदि से संग्रहित की गई है। आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो या आलेख को अंतिम सत्य अथवा दावान माने एवं अपने विवेक का उपयोग करें। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया पूरी तरह से अंधविश्वास के खिलाफ है। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह ले। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में खबरें आदि पसंद आ रही हो तो आप इसे लाइक, शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करें। हम नई जानकारी लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।